राइस का फूड ब्लॉग का इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कटहल की नए तरीके से सब्जी। यहाँ पे मैंने 1 किलो कटहल लिया है और सबसे पहले इसको हम फ्राई कर लेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं फ्राई करने के लिए। कुकर में हम तेल डालेंगे। आज हम कुकर में ही बनाएंगे, ज़्यादा बर्तन भी नहीं खर्च होगा, इसी में बन जाएगा। आज बिना मिक्सर के हम बनाएंगे सब्जी। ये हमारा 2 बड़ा कटा हुआ प्याज है, जीरा, 2 बड़ा टमाटर, लहसुन, 2 बड़ा कलियाँ, फिर ये हमारा अदरक है, सौंफ है, हरी मिर्च है। हरी मिर्च के स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं। आज हम बिना मसाला पीसे हुए सब्जी आज खड़े मसाले के ऐसे ही बनाएंगे। ये मेरा सब पूरा सब्जी मसाला है। हम फ्राई कर लेंगे कटहल को। कटहल को हमको सुनहरा फ्राई करना है। कटहल हमारा फ्राई हो रहा है, तब तक के लिए हम आपको मसाला दिखा रहे हैं। 1 बड़ा चम्मच हमारा धनिया है, 1/2 चम्मच से कम हम हल्दी लेंगे, हमारा लाल मिर्चा है 1/2 चम्मच, अपने स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं। 1 चम्मच हमारा एक पाव भाजी मसाला है, अब इसको हम पानी डाल के अब हम मिक्स कर लेंगे मसाले को। अगर पानी में से तेल में डाला जाएगा तो हमारा मसाला जल जाएगा, इसलिए इसको हमको पहले से ही मिक्स करना है पूरे मसाले को अच्छे से। हमारा ये देखिए, हमारा मसाला मिक्स हो गया है। आप देख सकते हैं ये हमारा तरफ कड़ी पत्ता है, 3-4 लौंग है, इसको हम गरम मसाला डालेंगे तेल में। ये हमारी काली मिर्च है। कटहल हमारा फ्राई हो गया है, इसको उनके देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया है। तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च हम तेल में डाल देंगे। प्याज डाल देंगे, लहसुन की कलियां डालेंगे, हरा कटा हुआ मिर्चा डालेंगे। ये देखिए हमारा तड़का ब्राउन हो चुका है, अभी इसमें हम मसाला डालेंगे। तड़के में अपने हम मसाला डालेंगे। मसाला डाल के इसको हम भून लेंगे, जब तक हमारा तेल अच्छे लगे मसाला हमारा अभी अच्छे से भून नहीं गया है। मसाला हमारा तेल छोड़ देगा, मतलब कि हमारा मसाला भून गया। और इसको हम 5 मिनट के लिए कुकर को हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला भून चुका है, तेल एकदम से ऊपर से देखिए छोड़ दिया है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, टमाटर डाल देंगे तब तक 5 मिनट के लिए। थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे टमाटर जाए। टमाटर हमारा गल चुका है, अब इसमें फ्राई किया हुआ डालेंगे कटहल। कटहल डाल के इसमें हम मिक्स कर देंगे। मसाला और कटहल अच्छे से मिक्स हो जाए, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बर्न इसमें और नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम हींग डाल देंगे। इसमें पानी डालेंगे, आप जैसा ग्रेवी रखना चाहें उतना ही ग्रेवी रखिए, हमको ज़्यादा नहीं ग्रेवी रखना है, इसलिए हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। कुकर को बंद कर देंगे तो सीटी आएगा, तब फिर गैस को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी कटहल की सब्जी बनके तैयार हो गई है। गर्मियों का मौसम चल रहा है, कटहल बाज़ार में बहुत सारे मिल जाते हैं। आप मेरे तरीके से आप एक बार बना के देखिए, सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है कटहल की। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।
थैंक यू।